एक ज़माना था जब शुगर के मरीजों को इंसुलिन जानवरों के ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके दी जाती थी। क्या आप जानते हैं कि इस तरीके से हमारी जान किस तरह से छूटी और किस तरह से शुगर के मरीजों को ह्यूमन इंसुलिन दी जाने लगी? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए। मैं हूँ डॉक्टर आसिम और हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। और इससे पहले हमने बात की थी क्रोमोसोमल डीएनए की, और क्रोमोसोमल डीएनए के आखिर में हमने एक पोल किया और उस पोल में हमने जिस चैप्टर को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उस चैप्टर को अगली सीरीज़ में डिस्कस किया जाएगा वाला मोटो अपनाया, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वोट मिले वो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर को मिले। तो बिल्कुल आप लोगों की राय को हम एहतराम करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो इसलिए मैं आज आपके साथ शुरू कर रहा हूँ लेक्चर सीरीज़ बायोटेक्नोलॉजी की। और बायोटेक्नोलॉजी पे आज मैं आपसे बात करूँगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे साथ आपने रहना है, उसको ध्यान से देखना है, समझना है। मगर इससे पहले कि मैं आपसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डायरेक्ट बात करूँ, आइए हम थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं एक चीज़ को जिसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़? अच्छा देखिए, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी जैसे आपको इसके नाम से समझ आ रहा होगा, बायो इज़ फॉर लाइफ एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है? टेक्नोलॉजी वो स्किल्स होती हैं इंजीनियरिंग की जो हम किसी भी ज़माने में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उससे डिफरेंट जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो अब आप देखिए व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। आपने इंजीनियरिंग की स्किल्स को इस्तेमाल करना है ताकि आप उसको इस्तेमाल करते हुए लाइफ की बेटरमेंट का काम कर सकें। और स्पेशली आपको पता है हमें जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की, यानी इंसानों की जो बेटरमेंट है उसके बारे में हमें सोचना है। आपको पता है ये मैं बात अक्सर बच्चों को कर, अच्छा चले मैं आपसे अभी उसकी बात करता हूँ। अब जब आप इसको देखते हैं तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली जो बूम हुई, जो इसने ब्लॉसम किया, वो बेसिकली किया 1970s के अंदर, जब हम तो खैर बहुत छोटे लोग हैं, जो रिसर्चर्स थे, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जो बड़े बड़े जेनेटिसिस्ट थे, उन्होंने जीन सीक्वेंसिंग के ऊपर काम किया। आपको पता है हमने क्रोमोसोम डीएनए में देखा कि वाटसन क्रिक ने 1952 में हमें इसका मॉडल एक्सप्लेन किया। 1960s के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के ऊपर काम हुआ, जीन के स्ट्रक्चर को समझा गया, और उसके बाद 1970s के अंदर जीन सीक्वेंसिंग की गई, यानी जीन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है पता चलाया गया। उसके बाद तो जैसे एक फ्लड आया इंफॉर्मेशन का, रिसर्च का, और आज उसको हम बायोटेक्नोलॉजी की सूरत में देखते हैं। तो द फील्ड जो थी वो ब्लॉसम हुई 1970s के अंदर, और ये हुआ डीएनए के स्ट्रक्चर को, जीन सीक्वेंस को, और ये सारी चीज़ों को समझने के बाद। आपने एक और बात ध्यान में रखनी है, और वो बात ध्यान में ये रखनी है कि ये जो फील्ड है पूरी की पूरी बेसिकली ये स्टैंड करती है, जैसे आपने देखा ना हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो हम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, आर्किटेक्ट को, आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने के लिए पिलर उठाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी फील्ड है ये पिलर के ऊपर खड़ी हुई एक टेक्निक है जिसको हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। और याद कर लीजिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस टर्म को कभी कभी साइनोनिमसली इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ। वो क्या होता है आज हमने उसी की बात करनी है, मगर हम थोड़ा सा इसको देख लें। अच्छा, अब क्या मार्वलस ये जो है वो टेक्निक है, इसने अलाउ किया हमें कि लिटरली हम कोई भी प्रोडक्ट जो बायोलॉजिकल ओरिजिन, और आपने देखा लास्ट लेक्चर सीरीज में हमने बात की क्रोमोसोम डीएनए में कि जब भी डीएनए एक्सप्रेस होता है तो वो प्रोटीन बनाता है, तो हम इससे कोई भी प्रोटीन जो है वो आर्टिफिशियली जो है बना सकते हैं। आपको पता है पहले क्या होता था, अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती थी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, तो वो उसको या तो घोड़े के ब्लड में से इंसुलिन निकालते थे, उसको हॉर्स सीरम इंसुलिन कहा जाता था, या वो गाय में से उसके ब्लड से उसको ड्रॉ करते थे, बोवाइन इंसुलिन कहा जाता था, या वो पिग्स की बॉडी में से इंसुलिन निकालते थे, पिग्यूसिलिन उसको कहते थे, और वो फिर जो है उन लोगों को इंजेक्ट की जाती थी। अब चूंकि वो इंसुलिन होती तो इंसुलिन थी, बट स्पीशीज़ का फ़र्क है, और वो हमारी और जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीशीज में फ़र्क होता है, तो कुछ लोगों को तो वो काम करती थी, कुछ लोगों को रिएक्शन कर जाती थी। इस टेक्निक की मदद से हम ह्यूमन इंसुलिन बना के जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको दे सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में इसकी बात करते हैं सब कुछ कैसा होगा। तो बहुत ही मार्वलस फील्ड है। एक और बात जो मैं आपको चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर ध्यान में रखा करें, चूँकि फील्ड बहुत नई है। अगर हम 1970s की बात करें तो राइट नाउ करेंटली वी आर स्टैंडिंग इन 2020, तो इस फील्ड को डेवलप हुए सिर्फ 50 साल हुए। अब 50 साल का जो टाइम होता है वो किसी भी फील्ड ऑफ साइंस के लिए बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, तो ये बात काइंडली आप ध्यान में रखा करें। तो चलते हैं और देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है।
पहले मैं थोड़ा सा आपकी उसकी डेफिनेशन और कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि वो सारा काम कैसा हो रहा है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं इसको। जी माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, हम लोग बात कर बायोटेक्नोलॉजी की, और बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपसे बात करने लगा हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग की। याद रहे, जेनेटिक इंजीनियरिंग को और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, इन दोनों वर्ड्स को साइनोनिमसली जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों को एक ही समझा जाता है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, ये सब कुछ समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके नाम पर गौर करें। देखिए लफ्ज़ क्या है, द वर्ड इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, द वर्ड इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यहाँ पर री इज़ फॉर अगेन एंड कॉम्बिनेशन इज अरेंजमेंट इन द पैटर्न, किसका पैटर्न, न्यूक्लियोटाइड्स का। तो ये यहाँ से कॉम्बिनेट से मुराद है इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। तो जब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, तो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर हम किसी भी डीएनए को लेते हैं और उसके न्यूक्लियोटाइड पैटर्न को, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं। तो उसके चेंज आने के नतीजे में जो उसके कॉम्बिनेशन होता है वो चेंज होता है, और जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम उसको वापस आपस में जोड़ देते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जिस टेक्निक के जरिए इसको हम करते हैं इस कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपको बताया। तो इन दिस प्रोसेस वी ऑल्टर डीएनए ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू चेंज न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे मैंने यहाँ आपसे डिस्कस किया। एक जो बहुत पॉपुलर टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है, इट इज़ मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैनिपुलेशन का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। तो जब आप इसका कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे तो बेसिकली आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होगे ना, तो इसलिए इसको मैनिपुलेशन कहें या अरेंजमेंट को ऑल्टर करना कहें, बात एक ही है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये हमें क्या अलाउ करता है, इससे हमें अच्छा उसके बाद देखिए ये हमें क्या अलाउ करता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम एक डीएनए लें, उस डीएनए के अंदर वो जीन एडजस्ट कर दें, वो जीन उसमें फिट कर दें, बिठा दें, लगा दें, जिस जीन का प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इंसुलिन की बात की, तो इंसुलिन बनाने वाली जीन को हम इंसर्ट करें ताकि हमें इंसुलिन मिलना शुरू हो जाए। तो ये बात हमें रखनी है। तो हमें अपनी डिज़ायर्ड जीन को टारगेट डीएनए के अंदर फिट करना है ताकि हमें हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाए। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है वो कुछ स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। वो स्टेप्स क्या क्या होते हैं, नंबर वन, हमें सबसे पहले वेक्टर डीएनए को सिलेक्ट करना होता है। अब वेक्टर डीएनए क्या होता है, अभी मैं आपसे इसकी डिटेल में बात करने वाला हूँ। फिर वेक्टर डीएनए जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम वेक्टर डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल के अंदर, क्योंकि डीएनए से हमें प्रोडक्ट बनाना है तो उसको एक सिस्टम की मशीनरी की ज़रूरत है जो कि उसको सेल के अंदर ही मिल सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सी आपको मेरा ख्याल है एल लग रहा होगा, मैं इसको सही कर दूँ, इट्स सी। तो इट्स क्लोनिंग ऑफ होस्ट सेल। उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो होस्ट सेल है जिसके अंदर हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, हम उसको अलाउ करते हैं कि वो रेप्लिकेट करे, क्योंकि जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो डिज़ायर्ड जीन है उसकी कॉपीज भी जो है बनती चली जाएगी, और आखिर में हमें सिलेक्शन करनी है उस पॉपुलेशन की। क्योंकि बैक्टीरिया जब अभी हम जो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम उसको अलाउ करते हैं तो वो कुछ बैक्टीरिया डिज़ायर्ड जीन लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया डिज़ायर्ड जीन नहीं लेते। तो हमें कैसे पता लगेगा कि बैक्टीरिया ने हमारा डिज़ायर्ड जीन लिया है या नहीं लिया है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसको कोई स्पेशल मार्कर देने पड़ेंगे विच आर कॉल्ड जेनेटिक मार्कर। तो उनके भी हम बात कर लेते हैं, तो उससे फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो अब मैं आपसे सबसे पहले बात करूँगा वेक्टर डीएनए की। वेक्टर डीएनए क्या होता है, वेक्टर डीएनए कैसे बनता है, हम बात करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से बनाते हैं, फिर हम बात करेंगे ये होस्ट में कैसे जाएगा और कैसे काम करेगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है, आइए मेरे साथ देखते हैं इस पूरे सीक्वेंस को। जी डियर स्टूडेंट्स, आप और मैं बात कर रहे हैं वेक्टर डीएनए की, और बहुत ही मज़े का हमारी डिस्कशन चल रही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब हम ज़रा पहले समझते हैं कि वेक्टर डीएनए क्या है, फिर हम थोड़ा सा उसके डायनेमिक्स को और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए वेक्टर डीएनए क्या होता है, वेक्टर डीएनए बेसिकली वो डीएनए है जिसको हमने लेना है, उसके अंदर हमने एक गैप, एक विंडो क्रिएट करनी है, और गैप विंडो क्रिएट करने के बाद हमने उसके अंदर अपनी डिज़ायर्ड जीन ले जाके इंसर्ट करनी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, यानी हमने कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक रस्सी का टुकड़ा लिया, उस रस्सी के टुकड़े को बीच में से एक जगह से कट किया, कट करने के बाद कोई दूसरी रस्सी उसके दोनों एंड से जोड़ के उसको वापस पूरा एक बना दिया। अब मेरी जो ओरिजिनल रोप थी, मेरी जो ओरिजिनल रस्सी थी,
ये रस्सी उस रस्सी से मुख्तलिफ हो गई क्योंकि मैंने इसको बीच में से काटा है। काटने के बाद एक बाहर से एक अलग से टुकड़ा इसमें जोड़ा है और फिर मैंने इसको दोनों तरफ से जोड़ के जो है पूरी रस्सी जो है बना दी है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर डीएनए को लेते हैं, और वेक्टर डीएनए वो डीएनए होता है जिसके अंदर हमने फॉरेन जीन इंसर्ट करनी होती है। अच्छा, अब देखें फॉरेन जीन से हमारी मुराद क्या है, मैंने आपको अभी समझाया। फॉरेन जीन से हमारी मुराद है वो जीन जिसमें हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर मौजूद है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी हमने बात की, वो इंसुलिन बनाने वाली जीन हो सकती है, वो ग्रोथ हार्मोन बनाने वाली जीन हो सकती है, वो कोई क्लॉटिंग प्रोटीन बनाने वाली जीन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है ना। वो कहते हैं ना, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये जो फॉरेन जीन है जिसको हम अपनी डिज़ायर्ड जीन कह रहे हैं, हम अपनी इस डिज़ायर्ड जीन को लेंगे कैसे। अब देखें, याद कर लीजिए, इसके तीन तरीके होते हैं। तो फॉरेन जीन को, डिज़ायर्ड जीन को ऑब्टेन करने के, तो हम यहाँ लिखते हैं कि टू ऑब्टेन फॉरेन जीन हमारे पास थ्री मेथड हैं। देर आर थ्री मेथड्स, ठीक है। तीन मेथड होंगे, ठीक है। तीन मेथड कौन कौन से होंगे, आइए ज़रा इसको समझते हैं। पहला मेथड, नंबर वन, हम इसको जो हमारा होस्ट है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ह्यूमन इंसुलिन बनाना चाहते हैं, तो आपको ह्यूमन क्रोमोसोम ले लीजिए और ह्यूमन क्रोमोसोम में से इंसुलिन बनाने वाली जीन को काट के बाहर निकाल लीजिए। अच्छा, अब ये काटेंगे कैसे, ऐसे नहीं होगा जैसे मैंने कैंची पकड़ी और उसको काट के अलग कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसे होगा कि हमें यहाँ क्या करना होगा कि टू कट डिज़ायर्ड जीन फ्रॉम क्रोमोसोम, और इसके लिए हम बहुत स्पेशल एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जिनके मैं अभी आपसे बात करूंगा। दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, डिज़ायर्ड जीन हम कैसे ले सकते हैं, अगर जीन का साइज़ छोटा है और हमें उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एग्जैक्ट मालूम है, तो हम उसको लेबॉरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो कैन सिंथेसाइज्ड इन लैब्स, तो इसको लैब्स के अंदर भी बनाया जा सकता है, ये काम भी किया जा सकता है। तीसरा काम, अगर हमारे पास इसका मैसेंजर आरएनए अवेलेबल है, तो हम इसी चैप्टर में आगे चल के एक टेक्निक पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टेक्नोलॉजी की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो बात करेंगे आगे। तो अगर हमारे पास मैसेंजर आरएनए अवेलेबल है, तो हम मैसेंजर आरएनए की मदद से भी जीन यानी डीएनए बना सकते हैं। तो फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। तो ये तीन तरीके होते हैं जिन तरीके से हम अपनी डिज़ायर्ड जीन, अपनी होस्ट जीन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने डिज़ायर्ड जीन तो ले ली, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर वेक्टर डीएनए में फिट करना है। कैसे करना है उसकी हम जो है वो बात अभी करते हैं। अब एक अच्छे वेक्टर डीएनए में दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और वो दो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, नंबर वन, उसका साइज़ छोटा होना चाहिए। अच्छा, अब बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर छोटे साइज़ होने से फ़ायदा क्या होगा, बड़ा डीएनए होता तो ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकती। तो आप याद कर लीजिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आमतौर पर कोशिश की जाती है एक प्रोडक्ट बनाई जाए एट वन टाइम ना, ख़ास तौर पे जब हम ये हार्मोनल बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, इंसुलिन और इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं, तो कोशिश करते हैं एक वक्त में एक ही प्रोडक्ट बने तो बेहतर रहती है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करना भी आसान हो जाता है, सारी चीज़ें उसके लिए आसान हो जाती हैं। तो एक तो उसका साइज़ छोटा होना चाहिए। तो साइज़ छोटा होने से फ़ायदा क्या होगा, साइज़ छोटा होने से फ़ायदा ये होता है कि उसकी रेप्लिकेशन बहुत फास्ट हो जाती है। जितना बड़ा डीएनए होगा, डीएनए पॉलीमरेज़ को उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको रेप्लिकेट करने में, हमने पढ़ा था ना रेप्लिकेशन का प्रोसेस, और जितना छोटा डीएनए होगा उसको रेप्लिकेशन में उतना कम टाइम लगेगा। नंबर टू, उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो रिकग्नाइज होना चाहिए। जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिकग्नाइज होते हैं, तो हमें एग्जैक्ट पता होता है कि हमें कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वहाँ पर इस्तेमाल करके उसके अंदर विंडो क्रिएट करनी है, वो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात भी अभी हम करते हैं। अच्छा, फिर जब हम इन दो प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, तो दो डीएनए ऐसे हैं जो कि हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उनमें से एक है बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स, जो कि आपने पढ़े होंगे, बैक्टीरियल सेल में छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। और नंबर टू हमारे पास होते हैं फेज वायरसेस के डीएनए, जो कि बैक्टीरियल फेज वायरसेस होते हैं। अब इनमें याद कर लीजिए, जो ज़्यादा अच्छी, जो ज़्यादा बेटर चॉइस है वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स हैं। अब बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स ज़्यादा अच्छी चॉइस क्यों है, इसके भी दो रीज़न है। रीज़न नंबर वन, एक तो साइज़ इनका छोटा है। रीज़न नंबर टू, याद कर लीजिए, जो प्लाज्मिड्स हैं ये बैक्टीरिया के अपने डीएनए हैं, मेन डीएनए से अलग हैं, बट हैं तो बैक्टीरिया के अपने डीएनए ना। तो जैसे ही हम इसको अलाउ करेंगे, इसको हम ट्रांसफॉर्म करवाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के थ्रू इसको अलाउ करेंगे कि वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाए, तो क्या होगा, फौरन
जो बैक्टीरियल सेल होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि वो उसके अपने डीएनए होंगे और उनको अलाउ करेगा वो वहाँ रेप्लिकेट करें। वायरस के जो डीएनए होते हैं वो चूँकि बैक्टीरिया के यानी होस्ट सेल के अपने डीएनए नहीं होते, फॉरेन डीएनए होते हैं, तो होस्ट सेल कोशिश करता है कि उनको स्टॉप करे, उनको रोके, रिस्ट्रिक्शन देना है बेसिकली, इसीलिए बैक्टीरिया ने अपने पास रखे हुए ताकि बैक्टीरियल सेल्स जो है वो वायरस के डीएनए को अंदर आने के रेप्लिकेट करने से रोक सकें, उनको मार सकें। तो इसलिए बैक्टीरियल प्लाज्मिड, चूँकि बैक्टीरिया के अपने डीएनए होते हैं, बैक्टीरिया उनको मारते नहीं और बहुत स्मूथली सारा काम हो जाता है। तो एक तो स्माइल साइज है, दूसरा बैक्टीरियल ओरिजिन उनको अलाउ कर दिए कि वो बहुत ईजिली वहाँ जाएँ और सारा अपना काम जो है वो कर लें। अब हम ज़रा देखते हैं कि जब हमने एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड ले लिया तो सारा का सारा काम जो है उसमें कैसे होगा, कैसे हम उसमें विंडो क्रिएट करेंगे और कैसे हम उसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करेंगे। तो रहिए मेरे साथ, देखते हैं इसको। जी बच्चों, तो अब हमें बात ध्यान में रखनी है कि हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये हमारे वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हमने ये बात तय कर ली अब तक कि वेक्टर डीएनए हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड को बनाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है। तो अब ज़रा देखिए, जो वेक्टर डीएनए है, अब हमने वेक्टर डीएनए के अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करनी है ना, वो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? वो हम इंसर्ट कर सकते हैं उसके अंदर एक विंडो क्रिएट करके, और उसके अंदर विंडो क्रिएट करने के लिए हमें स्पेशल एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी जिनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। अब चूँकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एक बहुत बड़ा टर्म बन रही थी तो इसको उन्होंने छोटा करके एक इसके टाइम सीधा सा जो है वो टर्म रख दिया, एंड नाउ वी यूज टू कॉल देम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जेनेटिसिस्ट हैं, द नेम इज़ हैमिल्टन ओ स्मिथ। उन्होंने जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था बैक्टीरिया के अंदर। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये रोकते हैं किसको? ग्रोथ ऑफ वायरल डीएनए को इनसाइड द बैक्टीरिया। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो बैक्टीरिया को एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो जो वायरस उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं उसके डीएनए को जो है वो टैकल कर सके, उसके डीएनए को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके। तो इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल किया गया इस सारे प्रोसेस के लिए। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बहुत सारे टाइप्स हमें मालूम हैं, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसी भी डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर कट करते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें समझना है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। मैं चाहता हूँ आप जरा थोड़ा सा इस डीएनए पर गौर कीजिए, और अगर मैं इस डीएनए को यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, ये मैंने पूरा डीएनए तो नहीं बनाया, ये मैंने डीएनए का एक सीक्वेंस बनाया, तो आप ज़रा देखिए इसको रीड कीजिए ऐसे, इस स्ट्रैंड को और इस स्ट्रैंड को रीड कीजिए ऐसे। से फॉर एग्जांपल, ये अगर बैक्टीरिया का 5 एंड है डीएनए का, तो ये 3 एंड होगा डीएनए का, और बैक्टीरिया का नहीं किसी भी डीएनए का। तो अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूँ, तो आप इसको ऐसे देखिए और ऐसे देखिए, तो देखिए ए, देखिए ये रहा ए, ये रहा ए, सी 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 एंड सी, टी एंड टी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो एग्जैक्ट रिवर्स हैं दो स्ट्रैंड के अंदर। तो ऐसे सीक्वेंसेस जहाँ पर हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एग्जैक्ट रिवर्स मिले हैं टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के अंदर, उनको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्या कहते हैं उनको? हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, फर्ज करें कि ये आपका और मेरा एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड है और हम इस बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर कोई फॉरेन जीन इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब मैं इसको किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करूँगा, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके अंदर एक विंडो क्रिएट कर देगा। ये विंडो फर्ज करें उसने क्रिएट कर दी, जैसे ही उसने वो विंडो क्रिएट की, ये उस विंडो को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से जो है वो कट करेगा। अब हमें इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल करना है, और क्यों इस्तेमाल करना है? हमने इसको इस्तेमाल करना है अपने डिज़ायर्ड जीन को निकालने के लिए, क्योंकि जब हम इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को अपने डिज़ायर्ड जीन निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होस्ट डीएनए में भी उसको उसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर कट करता है जिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे उसने प्लाज्मिड को कट किया है। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको अलग करूँ उन दोनों को, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि ये टी सी सी ए और ए, ये एंड अलग हो जाएगा, और इसी तरीके से ये ए ए सी सी और टी, ये एंड अलग हो जाएगा। तो अब जब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कटेगा, तो जो दूसरा हमारा डीएनए होगा जिसको भी उसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट किया गया होगा, जब हम उसको यहाँ लाके अटैच करेंगे, तो चूँकि सीक्वेंस बिल्कुल सेम होगा, तो ये बहुत ही ईजीली उसके साथ आगे जो है वो अटैच हो जाएगा, और सारा का सारा जो है यहाँ पर जो पेयरिंग है वो बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगी।
तो ये देखिए, तो जिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में इसको कट किया गया उसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऑपोजिट जो है उसको कट किया गया, और ये बहुत मजे से जो है यहाँ पर वो पेयरिंग हो जाएगी। इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स बनना, क्योंकि ये स्टकअप हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे ही स्टकअप हुए, अब फर्ज कीजिए कि आपने ये अपना फॉरेन जीन इस डीएनए के अंदर इंसर्ट कर दिया, और जैसे आपने फॉरेन जीन इसके अंदर इंसर्ट किया उसके बाद आप इसको ट्रीट करेंगे डीएनए लाइगेज से, और डीएनए लाइगेज इसके जो एंड्स हैं उनको सील कर देगा। नाउ ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करना है। तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज्ड टू कट बोथ होस्ट डीएनए, और होस्ट डीएनए से बोला जहाँ हमारी डिजायर्ड जीन मौजूद है, एंड वेक्टर डीएनए। और क्यों, क्योंकि ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया कि इसके स्टिकी एंड बन जाएंगे। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में भी आपको ये स्टिकी एंड जो है नज़र आ रहे होंगे। और उसके साथ साथ डीएनए लाइगेज हमें चाहिए इसको सील करने के लिए। तो डीएनए लाइगेज विल सील द एंड्स, तो डीएनए लाइगेज जो है वो इसके एंड्स को सील कर देगा। अब हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार है। एक काम जो हम इसमें करते हैं, जो मैं अभी आपको समझाता हूँ, वो ये कि हम इसको डिजायर्ड जीन के साथ एक जेनेटिक मार्कर भी देते हैं, जिसको मैं यहाँ पर इस अलग कलर से शो कर रहा हूँ। मैं अभी आपको समझाऊँगा कि इस जेनेटिक मार्कर का काम क्या है। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार है, और अब हमने इसको होस्ट सेल में डाल के इससे अपने प्रोडक्ट बनाना है। तो आइए देखते हैं वो काम कैसे होगा। तो नाउ हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बिल्कुल तैयार हो चुका है, और हमने देखा कि हमने उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया। कटिंग जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे हुई, और जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने अपने वेक्टर डीएनए को कट किया उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने इस्तेमाल करते हुए अपनी डिजायर्ड जीन ऑब्टेन की, और इसलिए ताकि उनके स्टिकी एंड जो है वो क्रिएट हो सके। उसके बाद आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अब हम डीएनए लाइगेज की मदद से उनको जोड़ेंगे, और साथ में मैंने आपको बताया कि हम एक जेनेटिक मार्कर उसके अंदर ऐड करेंगे, और उस मार्कर की इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो चुका है उसको, और जो होस्ट बैक्टीरियल सेल हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लाज्मिड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस लिए किया जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया के अपने डीएनए होते हैं, और बैक्टीरियल सेल्स उनको ईजिली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और उनको अलाउ करते हैं कि वो बहुत ईजिली उसके अंदर रेप्लीकेट करते चले जाएँ। तो अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आरडीएनए होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, इसको हम रखेंगे एक इन्वायरमेंट में बैक्टीरियल सेल के साथ, और हम बैक्टीरियल सेल्स की परमिएबिलिटी बढ़ाएंगे बैक्टीरियल सेल वॉल की। कैसे बढ़ाते हैं परमिएबिलिटी, आमतौर पर उसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करके। ये बिल्कुल वैसे ही होगा, अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो एंटर होना शुरू हो जाएंगे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। आपको याद है हमने क्रोमोसोम में डीएनए में ग्रिफ्स के एक्सपेरिमेंट्स की बात की थी, जिसमें उसने कहा था कि किसी तरीके से डेड एस टाइप बैक्टीरिया की जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो अलाइव आर टाइप बैक्टीरिया के पास जा रहे हैं, और बाद में हमें पता लगा था कि वो डीएनए था। तो ये बिल्कुल उसी तरह से याद रहे। यहाँ पर जो बात समझने वाली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये टेक्निक इस बात को मेक श्योर नहीं करती कि हर बैक्टीरियल सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ के अंदर जाएगा और कुछ के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम अलाउ करेंगे होस्ट बैक्टीरियल सेल को कि वो रिप्रोड्यूस करें, डिवाइड करें, बार बार डिवाइड करें, क्योंकि जितनी बार वो डिवाइड करेंगे बैक्टीरियल प्लाज्मिड साथ डिवाइड होंगे, और जब वो साथ डिवाइड होंगे तो उसके बाद हमें उसके जो है वो हमारे डिजायर्ड जीन के कॉपीज मिलना शुरू हो जाएंगे। अब एक दफ़ा जब बैक्टीरिया ने अपनी पूरी जो है वो ग्रोथ साइकिल चला ली, और हमारे पास मिलियन एंड बिलियन एंड ट्रिलियन तो बैक्टीरिया आ गए, तो अब हमें मालूम नहीं है कि कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास हमारी डिजायर्ड जीन है, क्योंकि इतने सारे बैक्टीरिया में ये पता चलाना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अब आप याद कीजिए वो जो मैंने आपसे बात की थी जेनेटिक मार्कर की। अब वो जेनेटिक मार्कर कुछ भी हो सकते हैं, से फॉर एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होने वाला जेनेटिक मार्कर है वो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, जिसको हम MR के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जीन अलाउ करती है बैक्टीरिया को कि वो एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लें, जिस एंटीबायोटिक को हम कहते हैं एम्पिसिलिन, ठीक है। अब ये MR मार्कर हमने अपने डिजायर्ड जीन के साथ लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया हैं उनको ग्रो करवाएंगे एक ऐसी इन्वायरमेंट में, एक ऐसे मीडियम में जिसमें एम्पिसिलिन मौजूद होगी। आप बात समझ रहे हो, अब वो बैक्टीरिया जिन्होंने हमारी डिज़ायर्ड जीन ली होगी, उन्होंने डिज़ायर्ड जीन के साथ हमारा जेनेटिक मार्कर भी ले लिया होगा, विच इज़ MR जीन,
और वो एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंट होंगे। तो हम देखेंगे जिस एनवायरनमेंट में हम उसको ग्रो कर रहे होंगे, जिन बैक्टीरिया के पास ये जेनेटिक मार्कर नहीं होगा यानी रेजिस्टेंस नहीं होगी अगेंस्ट एम्पिसिलिन, वो एम्पिसिलिन से मरने लग जाएंगे, और जिनके पास रेजिस्टेंस होगी यानी हमारे डिजायर्ड जीन और जेनेटिक मार्कर होगा वो किल नहीं होंगे क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस मौजूद है। इस तरीके से हमें आसानी होती है सिलेक्ट करने में, पहचानने में कि हमारे डिजायर्ड जीन कौन से बैक्टीरिया के पास मौजूद है, तो हम उस बैक्टीरिया को निकाल लेते हैं और फिर उससे अपने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो बेटा ये वो पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आपने देखा कि किस तरीके से और किस तरह से ये पूरा का पूरा जो है वो प्रोसेस चलता है, ऑपरेट होता है और सारी बातें होती हैं। मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में एक दो लिंक्स भी आपको दूंगा इंशाल्लाह, जिसमें आप देखेंगे इसकी जो एनिमेशन है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। उम्मीद अभी तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त आप लोग मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फिर भी अभी भी आप देखिए आपके इर्द गिर्द आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना चाहते हैं और उन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको इस लाल बटन के बारे में बताइए, इस लाल बटन को सब्सक्राइब दबा के सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे जैसे हम लेक्चर अपलोड करते हैं वैसे वैसे आपको पता लगता जाए। और आप देख रहे हैं कि लेक्चर जो है तकरीबन रोजाना की बेसिस पर लेक्चर जो है वो आपके सामने आ रहे हैं और आप उनको पढ़ रहे हैं। तो इसके साथ ही हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा इंशाल्लाह ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की, उनके एडवांटेजेस की, उनके यूजेस की। तो हम मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम। टिल देन खुदा हाफिज़।